अजकल कलयुगी के जमाने के खून के रिश्ते सफेद होंदे जा रहे हैं। इसे ही तरह फिरोजपुर छोनी के बाजार नंबर 2 की घटना वापरी है। तुहानू दस दी कि फिरोजपुर छोनी के बाजार नंबर 2 की रहने वाली मधु अग्रवाल के पति की मौत हो गई, जो कि बैंक के काम करता सी। अपने इकलौते पुत्र के नाल घर रही सी। अक्सर ही बीमार रहती सी। बीमार रहने के कारण वह अपनी पेंशन वह अपने बैंक काज के लिए अपने बेटे नू बैंक विच भेज दिंदी सी, जिसका वह फायदा चुकते हुए उसके बेटे ने सारे अकाउंट साफ कर दिते ने। बैंक लॉकर च रखे सोने चांदी ते गहने ते होर पैसे उसने अपने कब्जे विच लै लेने। इस दे नाल एक दिन जो वह दवाई लैन दे लई डॉक्टर दे कोल गई तो वापस आन ते उसके बेटे ने उसकी बहुत कुटमार की, घरों कढ दिता, घर का सारा समान लैके घर नू ताला ला के शहर तो बाहर चला गया। उसकी शिकायत दी गई पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके पर पीड़ित महिला ने मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने मैनू घरों कढ दिता है, सारा समान ते सोना चांदी ते गहने भी नाल लैके चला गया। उते ही दूजे पासे पीड़ित महिला की बेटी ने कहा कि मेरे भरा ने मेरी माँ नू धक्का दे के घरों बाहर कढ दिता है, वह सारा समान अपने नाल लैके चला गया। उत ही उक्त SPD रणधीर कुमार ने कहा कि मैनू हुने ही सूचना मिली है कि जल्द ही इस मामले की जांच करके इंसाफ दिता जाएगा। मेरे लड़के ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्या मैटर क्या हुआ था जी? मैटर कुछ भी नहीं है, मेरी दुरानी है, वो हमारा घर खराब कर रही है, साथ में नंद मिली हुई है और बहू को अपने साथ में करके उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया, बुरा हाल किया मेरे साथ। तो आपके मतलब जो परिवार में ये सारी सिचुएशन आई है तो उसमें आपका क्या नुकसान अभी तक हुआ है? मेरा सारा कुछ ले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 कपड़े में मैं पहन के डॉक्टर को दिखाने आई थी, डॉक्टर के लिए भी उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं दिखा के लाएंगे। मैंने लड़की को फ़ोन किया, फिर उनको बुलाया, 2 दिन के लिए गई, उन्होंने मेरे को कहा अब तू घर में आई, मैं आई तो कहते थे टांगे काट दूंगा। जब आपको घर से निकाला गया ये कितने टाइम पुरानी बात है और उसके बाद क्या हुआ जी? ये 6 मई की बात है, 6 मई को निकाला था उन्होंने मुझे। तो अभी आप आपके घर में क्या क्या वो साथ में लेके गए हैं, क्या क्या? सारा कुछ ले गए जी, कुछ नहीं, सोना चांदी लॉकर में था मेरा, सब कुछ मैंने लड़के के नाम कर रखा था, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं था, पेंशन भी मेरे पास नहीं थी, मैं वो भी मेरा लड़का निकलवा के लाता था, मैंने कोई पूछा नहीं, धोखा मेरे को दे के गए हैं वो, मुझे दुख इस बात का ही है बस, सारा धोखा दे के चले गए मेरे को। आपके बेटे कंप्लेंट की कहीं? मैंने की थी SSP के पास, वहाँ मेरी कोई सुनवाई तो हुई नहीं। मकान जो है वो आपके पास है? नहीं, लड़के के नाम है, वो लड़के के नाम करवाया हुआ था। किसने करवाया था वो? मेरे हस्बैंड ने करवाया था। तो अभी आप मकान बंद कर दिया? वो बच्चा ताला लगा के चाबी ले गया, मेरे को अंदर ही नहीं पड़ने दिया, कहता टांगे तोड़ दूंगा। तो अभी कहाँ रह रही अभी आप? मैं लड़की के पास रह रही, 2 महीने हो गए मेरे को रहते हूँ। तो अभी तक आपको कोई इंसाफ या कुछ नहीं मिला? मैं आपके पास आई हूँ हार के। आप क्या मांग क्या करते हो? मेरे को मेरे अपने घर में रहना करना, मैं बेटी के घर कब तक रहूंगी बताओ आप। क्या नाम है आपका? मधु अग्रवाल। मतलब कोई हिस्सा नहीं मांगा, लेकिन अपने फादर के ये जो हाउस है पेरेंटल प्रॉपर्टी में मैं हिस्सेदार हूँ, तो मैं चाहूँगी इसमें मैं भी अपना हिस्सा लूँ। तो ये जो इनके पास घर के प्रॉपर्टी, उन्होंने मतलब कब्जा कैसे कर लिया, क्या उनके नाम थी या मदर के नाम थी? हाँ जी, फादर ने उसी के नाम खरीदी थी प्रॉपर्टी, पर ऐसा हमें कुछ पता थोड़ी ना था, हम तो विश्वास में ही थे ना, सब कुछ उसको ही दिया हुआ था तो। लेकिन अब मदर के लिए तो चाहिए ना, रिक्वायर है उनको। तो अभी कितनी परेशानी मदर को भी आ रही है? इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट वगैरह की भी इनको प्रॉब्लम है, BP शुगर, तो अब काफ़ी स्टंट वगैरह भी इनके डला हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनको तो। जुड़ीबंदी कार्रवाई की जाए, अच्छा छेती छेती कार्रवाई कराने जुड़ीबंदी कार्रवाई, वैसे वेरीफाई करा देना क्या मसला की रिपोर्ट ले लेना चाहिए।